ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 19 मई की शाम एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। आज उन्हें ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर महशद में दफनाया जाएगा। इसी शहर में रईसी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दुनिया भर से करीब 68 देशों के नेता डिप्लोमेट्स ईरान पहुंचे हैं। इनमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हैं। उनके अलावा कतर के अमीर तमाम बिन हमद अल थानी, इराकी पीएम मोहम्मद सियाल सुडानी और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के अलावा कई देशों के राष्ट्रपति भी पहुंचे। रईसी को आखिरी बार विदाई देने के लिए तालिबान के डिप्टी सीएम मुल्ला बरादर हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये और हूती विरोधियों के प्रतिनिधि पहुंचे। विदेश नेताओं और अधिकारियों को ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर, अंतिम विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी समेत कई दूसरे अन्य अधिकारियों ने रिसीव किया।